सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाय अवंतिका। हाय, आज सुबह सुबह फुर्सत कैसे मिल गई? भाई, अरे चाय। मैं हैव द प्लेजर प्लीज। ओके ओके, तो अचानक इस तरफ? हाँ, बात ये है कि पास में एक पॉलिटिकल पार्टी का सेमिनार था, तो उसे कवरेज करने के लिए चला गया, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कंग्रेचुलेट करता चलूं। बहुत बहुत मुबारक हो। एसके इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की जीत तुम्हारी वजह से हुई है। थैंक्स रमेश, मगर वर्कर्स का स्टैंड काफी स्ट्रांग था। मुझे तो इस बात की खुशी है कि उन्हें जस्टिस मिली, उनका हक मिला है। मैंने तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट का फर्ज निभाया। हाँ, तुमने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो अवंतिका, कि एसके इंडस्ट्रीज का मालिक तुम्हें अपना दुश्मन समझता है। I don't care. I know that you don't care. देखो अवंतिका, ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, ये लोग अपने फायदे। रमेश, अगर हम उनके डर से पीछे हट जाएंगे तो हम अपने करियर से इंसाफ नहीं कर सकते। और फिर तुम भी तो अपने जान को जख्म में डालकर कितनी क्लिपिंग्स लाते हो, कितनी टीवी कवरेज करते हो कि नहीं? भाई, बहस में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। That's why I always adore you, है ना? Oh my God, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। I'll see you later. Bye. Okay. अच्छा भाई, I'll see you. Bye. Bye bye. रमेश, जरा देखो तो फोन। जरा। हाँ, मैं देखता हूँ। ओके ओके ओके, कमिंग। हेलो, या दिस इज अवंतिकाज रेजिडेंस। क्या? अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं उन्हें बता दूंगा। ओके, थैंक यू। किसका फोन था? ऑल इंडिया प्रेस एसोसिएशन की तरफ से फोन था। इस साल का सबसे बेस्ट प्रेस रिपोर्टर का अवार्ड तुम्हें दिया जा रहा है। और एक बात कहूं, अगले सोमवार को गवर्नर साहब सुबह तुम्हें अवार्ड देंगे और शाम को तुम हमें पार्टी दोगी, है ना? ओके। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग लेट। सी यू लेटर एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बाय। ओके, बाय। अब मुंबई महानगर की कुछ खास खबरें। अभी अभी मिले ताजा समाचारों के अनुसार, दहिसर पूर्व के अशोक वन इलाके में बसी झोपड़पट्टी में भीषण आग लग जाने से करीब 50 परिवार बेघरबार हो गए हैं। इस हादसे में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 की घटनास्थल पर ही जलकर मृत्यु हो गई है। इस भीषण आग के अचानक लग जाने की कोई वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। हादसे की जांच जारी है। यह आग लगी नहीं, लगाई गई है, और इसकी वजह मैं जानती हूँ। तेजानी साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं, और वैसे भी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और मुझे इसी शहर में रहना है। जी हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, मुझे यकीन है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है तेजानी साहब। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ अवंतिका, कोई खास खबर? मिस्टर नागार्जुन, दहिसर झोपड़पट्टी के आग के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि वो आग वहीं के किसी रहने वाले शराबी ने। नहीं, ये सारी कहानी झूठी है। मतलब? मतलब ये कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कई महीनों से एक नामी बिल्डर उन बस्ती वालों को हटाकर वहाँ पे एक टावर बनाने की कोशिश में है, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। तुम्हारा मतलब है कि ये आग? सर,
अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं इस केस की पूरी छानबीन करना चाहती हूँ। देखो अवंतिका, मैं तुम्हें छानबीन करने और आर्टिकल लिखने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन एक राय तुम्हें जरूर दूंगा कि कहीं तुम इस केस की छानबीन करते वक्त ऐसे लोगों से दुश्मनी ना मोल ले लो जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अन्याय और जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई मैं अपने कलम से लड़ रही हूँ उसे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बस आप मुझसे वादा कीजिए, आप मेरे आर्टिकल छापने से डरेंगे नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा आर्टिकल जरूर छापूंगा, वो है। थैंक यू मिस्टर नागार्जुन। नहीं पुरुषोत्तम, आग लगने के बाद तुम्हें वो जगह छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैडम कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सरकार ने हमसे वादा किया वो रहने के लिए दूसरी जगह देंगे, लेकिन जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता सर छुपाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही था। फिर भी तुम लोगों को वही कुछ करना चाहिए था। हो सकता है ये आग इसलिए लगाई गई है कि तुम लोग वो जमीन खाली कर दो। ये बात तो सच है मैडम। तो फिर सच जाने के बाद भी तुम वहां से क्यों चले आए? अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए मतलब? देखो पुरुषोत्तम, तुम निडर हो कि मुझे सब कुछ बताओ। मैं इसके खिलाफ अखबार में लिखूंगी और तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम कहीं पर नहीं आएगा। मैडम सच बात तो यह है कि हमारी उस जमीन पर तेजानी बिल्डर से एक आलीशान टावर बनाना चाहता है। आप तो जानते हैं वो काफी समय से हम सब पर दबाव डाल रहा है कि वो झोपड़पट्टी खाली कर दें। जब हम लोगों ने अपनी झोपड़पट्टी खाली नहीं की तो मैडम उन्होंने वहां के एक खतरनाक गुंडे राघव से हम सबको पिटवाया। उसके बाद भी जब हमने झोपड़पट्टी खाली नहीं की तो उन्होंने हमारी झोपड़पट्टी में आग लगवा दी और बाहर ये खबर फैला दी ये आग किसी शराबी की लापरवाही से लगी है। तो तुम्हें यकीन है कि आग तेजानी बिल्डर्स ने लगाई? हाँ मैडम, उन्होंने उस गुंडे राघव को खरीद लिया और उसने हम लोग को धमकी दी है कि अगर हम लोगों ने दोबारा उस जगह पर झोपड़पट्टी बनाई तो हम लोगों को। मैडम हम सब गरीब आदमी हैं, बताइए हम सब क्या करें? हम सब उससे दुश्मनी नहीं ले सकते मैडम, दुश्मनी नहीं ले सकते। फिक्र मत करो, उस राघव गुंडे को मैं ठिकाने लगाती हूँ। मगर ये राघव गुंडा रहता कहाँ है? मैडम इस समय तेजानी बिल्डर्स ने उसे एक आलीशान फ्लैट दिया हुआ है। इस समय वो मंगलम टावर में रह रहा है मैडम। मंगलम टावर्स? राघव, ये फ्लैट मैंने तुम्हें टेम्पररी तौर पर रहने के लिए दिया है, लेकिन दहेसर झोपड़पट्टी वाली जमीन पर मेरा टावर बनते ही मैं तुम्हारी चॉइस का एक फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। थैंक यू तेजानी साहब। लेकिन राघव, बिना किसी रुकावट के तुम्हारी मदद से ही ये टावर बन पाएगा और मैं वहां कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां कोई भी गड़बड़ ना हो, तुम इसकी जिम्मेदारी संभाल लो। आप फिक्र मत कीजिए तेजानी साहब, उस इलाके में राघव दादा से पंगा लेने की कोशिश कोई नहीं करेगा। उन झोपड़पट्टी वालों की वहां वापस आने की हिम्मत नहीं होगी और अगर किसी ने वहां पर झोपड़पट्टी बनाने की कोशिश की तो जिंदा जला दूंगा उसे। बस आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दीजिए। देख लो तुम्हारे खर्चे के लिए। ओके मैं चलता हूं। ठीक है। अवंतिका से
ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तेजानी के कहने पर दहीसर बस्ती में आग तुमने लगाई? तुमसे मतलब कौन हो तुम? मैं एक पत्रकार हूँ, अवंतिका सिंह मेरा नाम है। मैं इस केस के बारे में छानबीन कर रही हूँ। मैं तुम्हारे और तेजानी के खिलाफ अपने अखबार में लिखने वाली हूँ। ओहो, तो धमकाने आई हैं आप मुझे? राघव दादा किसी से डरता नहीं है, जाओ जाकर अपने अखबार में छाप दो कि उस झोपड़पट्टी में आग मैंने ही लगाई थी, और खबर पढ़ने के लिए तुम्हारा अखबार खरीदूंगा तक नहीं। मैं तुम्हें धमकाने नहीं, समझाने आई हूँ राघव। तेजानी के बहकावे में आकर बस्ती वालों के साथ तुम जो कर रहे हो वो ना इंसाफी है, अन्याय है। जरा सोचो, तुम्हारा भी तो घर बार है। बस मैडम बस, बहुत हुआ, अब और लेक्चर मत दो और जाओ उन झोपड़पट्टी वालों को समझा दो कि तेजानी साहब बहुत जल्द वहां पर एक बहुत बड़ा टावर बनाने वाले हैं, और अगर किसी ने भी उसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो वहीं दफना दूंगा उसे। तो तुम नहीं मानोगे? जाओ जाओ मैडम, अपना और मेरा टाइम खोटे मत करो, जाओ। ठीक है, तो मैं भी देखती हूं कि तेजानी उस जमीन पर टावर कैसे बांधता है। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हेलो मिस्टर तेजानी। हाँ कमलकांत जी। आपको मेरे 5 लाख रुपए एडवांस तो मिल ही गए होंगे? हाँ वो पैसे एडवांस मुझे मिल गए। टॉप फ्लोर के सारे फ्लैट्स मेरे नाम पे बुक हो जाने चाहिए। लेकिन कमलकांत जी, आपको कंस्ट्रक्शन शुरू होने के ठीक 7 दिन के भीतर 25% देना होगा। आपको 25% भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना, सारे फ्लैट्स मुझे मार्केट रेट से आधे दाम में मिल जाने चाहिए। अगर आप मेरा काम कर दोगे तो बस यूं समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो फिर डील पक्की। राइट यू आर। ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं मैं वैसे ही करूंगा। मैं बस्ती में जाकर सबको समझाता हूं, और कल सुबह ही हम अपनी जमीन पर दोबारा झोपड़पट्टी बनाने का काम शुरू कर देंगे। लेकिन तेजानी बिल्डर्स का काम हम सब शुरू नहीं होने देंगे। वेरी गुड, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। अब आप लोग जाइएगा। जी नमस्ते। नमस्ते। तुमने वो फोटोग्राफ्स लाए? हाँ फोटोग्राफ्स भी लाया हूँ और वीडियो कैसेट भी। थैंक यू वेरी मच। ये लो। ये फोटोग्राफ्स मेरे आर्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा मैं आप चलो। ओके आफ्टर को मैं तुम्हें फोन करूँगा। ठीक है बाय। हेलो अवंतिका स्पीकिंग। तस्वीरें मिल गई। कौन कौन बोल रहे? अवंतिका तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मुझे जमीन पर टावर बनाने से नहीं रोक पाओगे। ओ तो तुम किस लिए फोन किया? देखो तुम मेरे खिलाफ लिखना और झोपड़पट्टी वालों को भड़काना छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने अंजाम की फिक्र करो तेजानी, और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत मत करना। अवंतिका। भाई साहब। अवंतिका क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? भाई साहब आप भी मुझे समझाने आए? मैं कोई गैर हूँ? रिश्ते में तुम्हारा जेठ हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई की मौत हो गई, और मैं देख रहा हूँ कि तुम भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही हो। देखो अवंतिका मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपको फिक्र के बजाय फख्र होना चाहिए कि आपके भाई के अधूरे काम को मैं पूरा कर रही हूँ। लेकिन तेजानी जैसे लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है अवंतिका। भाई साहब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। क्यों खाम
खामखा अपनी ही जान के दुश्मन बन रही हो। देखो अवंतिका, मेरे छोटे भाई विमल कांत ने कितना कुछ छोड़ रखा है तुम्हारे लिए, करोड़ों रुपए, ढेर सारी प्रॉपर्टी, फिर बावजूद इसके ये सब करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। ये प्रोफेशन मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। Why don't you try to understand? हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ मैडम, पुरुषोत्तम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी हाँ मैडम, और अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया मैडम। पुरुषोत्तम का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कराया गया है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। राघव, अवंतिका को रोकने की हमारी हर कोशिश नाकाम रही। वो बहुत जिद्दी है तेजानी साहब, पर उसकी ये जिद आज मुझे ले डूबेगी। उसने पुरुषोत्तम की मौत को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है, सारे झोपड़पट्टी वालों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर दिया है। वो तमाम सबूत इकट्ठा करके मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापने वाली है। राघव, अगर ये आर्टिकल छप गया तो मैं झोपड़पट्टी में आग लगवाने, पुरुषोत्तम को मरवाने और गैर कानूनी तरीके से झोपड़पट्टी की जमीन को हथियाने के जुर्म में फंस जाऊंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी तेजानी साहब, अब हमें उसे बहुत जल्द ही अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना होगा। कुछ करो राघव, कुछ करो। तुम जितना चाहो मैं खर्च करने को तैयार हूं, खत्म करवा दो उसे। कल ही उसका काम तमाम हो जाएगा। कल ही उसके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है उस खुशी में। हमें इस खुशी के मौके को मातम में बदलना होगा राघव। बदल दिया जाएगा मातम में। What a joke, thank you, thank you. क्या बात है, you're really funny. वाह 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 वाह। प्लीज नागार्जुना साहब, कमलकांत जी, आप लोगों का खूबसूरत चेहरा मेरे इस कैमरा में उतार देने दीजिए प्लीज। Come on, भाई। ओ रमेश, आज के दिन तो बाज आ जाओ, कैमरा किसी और को दे दो, एंजॉय द पार्टी। अवंतिका, as much as you love your profession, I love my profession too. और मेरे अलावा तुम लोगों को और कौन शूट करेगा यहाँ पर? Come on, please, एक बार please. ठीक है अवंतिका। Okay, okay जाओ. Oh, thank you so much. Thank you. Here I go. Here we go. Please. Oh, that's a beautiful smile. Avantika, smile more. Come on. That's good. There I go. Yes, everybody's looking very good. कमलकांत जी, अवंतिका और रोमेश तो हमारे अखबार के पिलर हैं। आपको पता है कि हमारे अखबार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इन दोनों की मेहनत शामिल है। Oh, cheers to that. ये तो आपका बड़प्पन है, हम तो बस अपना काम ईमानदारी से करते हैं। Excuse me. Sure. इंस्पेक्टर भारत, इंस्पेक्टर भारत और यहाँ अवंतिका ने बुलाया होगा। हेलो अवंतिका जी। हेलो मिस्टर भारत, थैंक यू फॉर कमिंग। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वंस अगेन। आप इतने मशरूफ रहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे। कैसे नहीं आता अवंतिका जी, जिन लोगों की मैं कदर करता हूँ उन लोगों के लिए खास तौर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आपकी तो मैं खास तौर से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करती हैं, जो आपका प्रोफेशन है, आप जैसे ईमानदार, निडर और बेवक लोग बहुत कम मिलते हैं। बस बस भरत जी, दुनिया आपकी तारीफ करती है और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं।
यू डिजर्व इट अवंतिका जी, यू डिजर्व इट। हेलो इंस्पेक्टर भारत, हाउ आर यू? कमलकांत जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ, थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर, पहचाना मुझे? नागार्जुन कहते हैं मुझे। जी पहचाना। मैडम आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। जी हेलो अवंतिका सिंह। यस, आप कौन बोल रहे? मेरी बात ध्यान से सुनो, परसों तुम जो अपने अखबार में रिपोर्ट छापने वाली हो तेजानी बिल्डर्स के खिलाफ, उसे मत छापो। मतलब कौन हो तुम? मुझे अपना शुभचिंतक समझो और मेरी बात ध्यान से सुनो, रिपोर्ट छापने की गलती मत करना अवंतिका। शट अप, मैं तुम्हारे धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, और वो रिपोर्ट छापने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, रिपोर्ट छापने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा था और जिंदा रहने का एक और मौका दे रहा हूँ। शट अप, मैं तुम्हारे जैसों के धमकियों से नहीं डरती। मैं वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, और मैं ये रिपोर्ट छापूंगी, हर हाल में छापूंगी। मुझे ये रिपोर्ट छापने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मौत का फैसला हो चुका है अवंतिका, क्योंकि तुम अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं हो। अब से ठीक 15 मिनट के बाद तुम मारी जाओगी अपने ही घर में। Now get lost. क्या बात है अवंतिका जी? जी कुछ everything, right? किसका फोन था? तेजानी बिल्डर्स के किसी भाड़े के टट्टू का फोन था। वो धमकी दे रहा था कि ठीक 15 मिनट बाद 10 बजते ही मैं अपने घर में ही मर जाऊंगी। What? हाँ, क्योंकि तेजानी के खिलाफ परसों के अखबार में जो मैं रिपोर्ट छपाने वाली हूँ, वो चाहता था कि मैं उसकी धमकी में आकर वो रिपोर्ट ना छपाऊं। मान लेना चाहिए। यस। नहीं भाई साहब, एक बार मैंने उनकी बात मान ली तो सारी जिंदगी उनके हाथों की कठपुतली बनके रहना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि मुझे मौत मिले। क्या कहा उन्होंने? अब से ठीक 15 मिनट के बाद, यानी 10 बजे। मेरे ख्याल से अवंतिका जी, इसकी धमकी को हमें सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज सर फिर लोग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब 10 बजने में ठीक 12 मिनट बाकी हैं। मुझे लगता है कि इन्हें किसी सेफ जगह पहुंचा देना चाहिए। नागार्जुन साहब, ये डिसीजन मैं लूंगा, आप नहीं। अवंतिका जी यहीं रहेंगी मेरे साथ। जो आदमी इन्हें घर के अंदर मारने की धमकी दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। You may never know. और ये जब तक मेरे पास है, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक्सक्यूज मी, योर अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सर मेरे करीब आइए, क्विक क्विक। ऐसा है कि यहां पर एक धमकी का फोन आया, लेकिन आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। ओके, अब आप लोग सब जहां भी ऊपर कमरा मिले टेरेस पे, आप लोग एडजस्ट हो जाइए। जो कुछ भी पी रहा है वो पिएगा नहीं, और किसी चीज को यहां कोई छुएगा नहीं। ओके, प्लीज क्विक क्विक। कमलकांत जी, सब में आप भी आते हैं प्लीज। इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से अवंतिका यहाँ सेफ नहीं है, इन्हें भी हम अपने साथ कमरे में। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि डिसीजंस मैं लूंगा, आप नहीं। ओके प्लीज। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह कोई मेरे घर में कैसे मार सकता है। अगर इस आदमी ने आपको मारने की ठान ली अवंतिका जी, तो यह आदमी आपको मार के रहेगा। जुनूनी लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं। हो सकता है कि उसने किसी की ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो सकता है, कहीं बम रख दिया हो सकता है, कि ये जो लोग हमारे साथ हैं
इनमें से कोई इनके साथ मिल गया हो। दिस मोमेंट इंस्पेक्टर, ये गोली चली कहां से?
आप लोगों में से कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अवंतिका जी वो लेकिन इंस्पेक्टर रोमेश ने किया क्या है? किया क्या? इसी ने तो सब कुछ किया। वहां खड़े हो जाओ जाके। ये सब क्या हो रहा है? बोलिए रमेश बाबू, करूं फोटो सेशन आपका? खींचू एक आखिरी तस्वीर आपकी? दबाओ रिमोट। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अवंतिका जी, इस कैमरे के अंदर एक रिमोट कंट्रोल गन छुपी हुई है जो इस रिमोट से चलती है, और इस गन से ये हमारे रमेश बाबू आपको शूट करने वाले थे। जब मैं कमरे में गया, मुझे कुछ नहीं मिला, और मैंने इस कैमरे को आपकी तरफ मूव करते हुए देखा, तभी मेरा माथा खनका कि इस कैमरे के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और वही बात निकली। क्यों रमेश बाबू, अब आप ये बताएंगे कि आप किसके लिए काम करते हैं? यहां पर अवंतिका जी को शूट करने क्यों आए थे? मैं सिर्फ तीन तक गिनता हूं। एक, दो, बता दो। I'm telling you, बताता हूं। मैंने ये काम तेजानी बिल्डर के इशारे पर किया। उसी के इशारे पर मैंने सब ये काम किया। 15 लाख रुपए में उसने मुझे खरीद लिया इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अवंतिका की वजह से मिस्टर तेजानी को उसके बिजनेस में काफी नुकसान पहुंच रहा था, और वो किसी भी कीमत पर अवंतिका को मारना चाहता था, और ये दौलत, ये पैसा, ये सब कुछ तो मेरी जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में बूढ़े मां बाप हैं, दो छोटी बहनें हैं मेरी, एक छोटा भाई, मेरा अपना एक बच्चा, मेरी बीवी, कुल मिलाकर हम 7 लोग हैं पूरे घर में, और पूरे पूरे घर का खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। तो पैसा तो मेरी जरूरत है ही, और किसी पैसे की वजह से मेरी दोनों बहनों की शादी नहीं हुई, और मुझे पता था कि अगर इसी पैसे की वजह से मैं पकड़ा गया तो मुझे किसी भी बात का गम नहीं होगा साहब, किसी भी बात का गम नहीं होगा। कम से कम इस पैसे की वजह से मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी, इस पैसे की वजह से मेरा छोटा भाई अपना कारोबार शुरू कर देगा छोटा मोटा। मैं तेजानी के हाथों बिक गया। मेर, तुम
ऐसा करोगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे मुझे माफ कर दो अवंतिका। ये तो तुम्हें फिर भी माफ कर देंगी, लेकिन कानून तुम्हें माफ कहां से करेगा? रमेश बाबू, मजबूरी में ही सही, लेकिन तुम एक ऐसा संगीन जुर्म करने जा रहे थे जो तुम्हें सीधे फांसी के तख्ते पे लेके जाता है। चार्ज अटेम्प्ट टू मर्डर नाउ। और आपके वो तेजानी बिल्डर्स के मिस्टर तेजानी भी बच नहीं सकते। मैं तुम्हें और तेजानी बिल्डर्स के मिस्टर तेजानी को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार करता हूं।